पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा महिला मोर्चा का एक दिवसीय महिला सम्मेलन का आयोजन निशा पैलेस में किया गया, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा की अधिक संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहीं। मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री अर्चना मिश्रा ने केंद्र सरकार के सफलतम 4 वर्ष पूरे करने पर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए किए गए विकास कार्यों व योजनाओं को सम्मेलन में विस्तार पूर्वक रखा। उन्होंने कहा कि देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जाने के बाद महिलाएं नई ऊंचाई छू रही हैं। देश की बेटियां अब सेना में फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। डॉक्टर अंजू बरियाल ने कहा कि भाजपा में संगठन से लेकर सभी जगह महिलाओं को 33% जिम्मेदारी देने का शुरू से प्रावधान है और इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी बड़ी संख्या में महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ेगी। नगर पालिका चेयरमैन शशि जैन ने कहा कि मोदी व योगी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, महिला योजनाओं का लाभ भी ले रही हैं। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए राज्य सरकार शादी करा रही है। विनीता सैनी ने कहा कि महिलाओं की सबसे बड़ी चिंता मोदी व योगी ने की है, यह योजनाओं से साफ झलक रहा है। इस दौरान जिला महामंत्री सीमा रायजादा, कुसुम लता, रमा सैनी, उषा शर्मा, दिनेश सैनी, चित्रा अर्चना, ललिता गर्ग आदि अधिक संख्या में महिलाएं मौजूद रही। ये विजय लक्ष्य महिला सम्मेलन था। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार महिलाओं की टीम बूथ पे खड़ा किया है, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, और महिला ऐसी शक्ति है कि वो किचन तक घुस कर वोट निकाल लेती है। तो इस महिला सम्मेलन का भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तैयारी को डिस्कस नहीं करता, लेकिन जन जन तक पहुँचना और लाभार्थी कितने हैं हमारे, और हमारे यहाँ मैंने जैसे पहले 101 से ज़्यादा योजनाओं में 54 योजनाएँ दोनों को